हेलो प्यारे दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन दिवस है। आज कई दिन इस दुनिया में मैं आया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ गिफ्ट आपको दिया जाए। मैं सेकंड पार्ट ऑफ ऑल टाइम हैप्पीनेस 21 डेज कोर्स में आ गया हूँ आपके लिए लेकर, कि कैसे आप जिंदगी भर के लिए हमेशा ही खुश रह सकते हो। जैसे कि हमने पिछले कोर्स में देखा था हाउ टू क्रिएट हैप्पी मोमेंट्स, के बहुत सारे इमोशंस हमारा पीछा करते हैं, तो हम अपनी हिस्ट्री में बहुत सारी लिस्टें बना लेते हैं जिससे हमें हैप्पी मोमेंट्स मिल सकें। तो इसी सीरीज को हम आगे लेके जाएंगे कि 21 दिन में टोटली हम हैप्पी कैसे रहें, ना हमें गुस्सा आए, ना हमें इंसल्ट फील हो, ना ही हमें गिल्ट महसूस हो, ना हम दुखी हों। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने स्लाइड्स बनाई हैं आपको बताने के लिए। ऑल टाइम हैप्पीनेस 21 डेज कोर्स, इसका पार्ट टू है। तो इससे पहले आप पार्ट वन देख लीजिए जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाए। इसके लिए हमने क्या स्टेप उठाने हैं? जैसे ही आपने सोच लिया कि 21 दिन के लिए मैंने हैप्पी रहना है, ना गुस्सा करना है, ना दुखी होना है, ना गिल्ट महसूस करना है, ना शेम महसूस करना है, उसके लिए सबसे पहले जैसे एंड ऑफ डे होता है, यानी 5 बजे 6 बजे आप ऑफिस से आते हो, अपने बिजनेस से आते हो, तो नोटबुक लेके बैठ जाना है। मेक आई एम थैंकफुल एट द एंड ऑफ द डे नोटबुक, इसके ऊपर 1 घंटा आपने लगाना है। एक नोटबुक जिसका नाम आपने लिखना है माई थैंकफुलनेस, या लिख सकते हो आई एम थैंकफुल एट द एंड ऑफ द डे नोटबुक। इस नोटबुक में आपने किस किस का धन्यवाद करना है, किन किन लोगों ने आपका सहयोग दिया, आज इस वक्त इस दिन में उनका थैंक्स करना है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता लगता कैसे थैंक्स करते हैं, मैं नोट्स बुक बनाता हूं, उसको रीड करता हूं, कोई भी डेट देख लेता हूं। जैसे यह 12 मार्च है, इसमें मैंने 5 लोगों का धन्यवाद किया है। आई एम थैंकफुल टू माई फैन हु लव्स एंड फॉलोज मी फ्रॉम मेनी ईयर्स एंड एक्सप्रेस सेम बाई कॉलिंग मी। मेरा एक फैन है, बहुत सालों से वो वीडियोस देखता है, कंटेंट स्टडी करता है, उसने अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए मुझे फोन किया। मैं उसका धन्यवाद देता हूं, मैं इस नोटबुक में उसको लिखता हूं कि मैं उसका बहुत धन्यवादी हूं, उसने अपना कीमती समय निकाला, उसने मोबाइल करने के लिए पैसा लगाया, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद दी हूं, मैं कर्जदार हूं। आई एम थैंकफुल का लर्नर फ्रॉम दिल्ली हु आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। क्वेश्चन जिज्ञासा ही सॉल्यूशन को जन्म देती है, हम नई चीज कैसे निकालेंगे यदि क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। उसने समय निकाला और मुझ पे ट्रस्ट रखा। आई एम थैंकफुल टू माई स्टूडेंट हु इज सर्विंग मी हार्टली। एक स्टूडेंट है मेरा, वो दिल से यहाँ काम करता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, मैं उसका दिल से थैंक्स करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू गॉड हु सेव्ड मी लॉट्स ऑफ कार एक्सीडेंट, इवन आई हैड डन लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, आज के दिन 12 मार्च 2017 को बहुत सारे कार एक्सीडेंट से उन्होंने मुझे बचाया, फिर भी कई मिस्टेक मैं कर देता हूँ। आई एम थैंकफुल टू गॉड हु हैज गिवन मी न्यू आइडिया ऑफ क्रिएटिंग डाटा एंड बिजनेस। मुझे एक नया आइडिया आया, वो आइडिया देने वाला कौन था? वो परमात्मा था। तो मैं हैप्पी मोमेंट में आ गया, मैं बहुत खुश हूंगा, उस परमात्मा का थैंक्स देना है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। मुझे ऐसा है कि मैं हेल्पलेस था, मुझे आइडिया नहीं आ रहा था, उसने मेरी हेल्प की, तो मैं बहुत खुश हूं उसकी
उसको थैंक्स करके ऐसे ही आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे 22 मार्च को मैंने लिखा है आई एम थैंकफुल टू द पर्सन इन मिनी सेक्रेट हु टोल्ड राइट इंफॉर्मेशन टू मी विच हेल्प मी टू अचीव माई गोल। मैं लाइसेंस बनाने के लिए गया था तो उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी, ऐसा ऐसा उसने समय लगाया, उसने इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उसको। आई एम थैंकफुल टू द पर्सन हु केप्ट माई बाइक अंडर हिज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में रखा। आई एम थैंकफुल टू गॉड हु गिव मी ब्रेन फॉर गिविंग न्यू लर्निंग वर्क टू माई स्टूडेंट। क्या सिखाना है मुझे अपने स्टूडेंट को, क्या सिखाना है, तो वो आइडिया मुझे परमात्मा देता है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद देता हूं। आई एम थैंकफुल टू माई स्टूडेंट हु केम विद मी। मैं उसके घर गया अपने स्टूडेंट के, वो मेरे साथ चला आया ज्ञान लेने के लिए, तो मैं उसका धन्यवाद देता हूं। आई एम थैंकफुल टू माई नेबर हु आइडेंटिफाई माई आइडेंटिटी, उसने अपनी सारी आइडेंटिटी मुझे बताई। आई एम थैंकफुल टू फेसबुक टीम हु हैज गिवन वंडरफुल टूल टू प्रमोट माई बिजनेस। आई एम थैंकफुल टू पर्सन हु गिवन मी समथिंग फ्री। आई एम थैंकफुल टू माई वॉलंटियर हु एक्सेप्टेड माई न्यू चैलेंज। ये 22 मार्च 2017 को है जिसका मैं धन्यवाद देता हूं। आई एम थैंकफुल टू पर्सन हु मेड बस बिकॉज इट हेल्प्ड मी टू अचीव माई गोल। कहीं जाना था तो जिसने बस बनाई उसका धन्यवाद, मुझे हर तरह से सपोर्ट मिल रही है, डेली मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये 23 तारीख को लिखा, ये 24 को, ये 25 को, ये 26 को, ये 28 को क्यों ना लिखूं, क्योंकि मैं खुश हूं वो मुझे सपोर्ट देते हैं। सिर्फ मुझे अपनी सोच को देखना है, इसमें स्ट्रेस देना है किन किन ने मुझे सपोर्ट की। हैप्पीनेस विद ग्रेटिट्यूड, ये एक आपका एटीट्यूड है, आपकी भावना जैसी होगी वैसी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका हैप्पीनेस से क्या कनेक्शन है, बिकॉज यू हैव टू मेक योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि इससे आपका एक भावना बन जाएगी। वह जो भावना है उसका बेनिफिट का क्या होगा, यू स्पेंड हैप्पी टाइम, आप खुशी से महसूस करोगे मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मुझे सपोर्ट मिल रही है, मैं रोज ही लिखता हूं, डेली लिखता हूं, मुझे सपोर्ट मिल रही है, मुझे खुश होना चाहिए। योर टाइम विल सेव फ्रॉम कंप्लेनिंग, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे सपोर्ट मिल रही है। अगर आप भी नोटबुक बनाओगे आप कंप्लेन नहीं करोगे। एक लेडीज ने मुझे ईमेल भेजा तो उसने इंफॉर्मेशन दिया, इनवाइट किया। अगर एटीट्यूड नहीं है तो मैं ईमेल लिखूंगा कि तूने मेरा टाइम वेस्ट किया, बट अब मैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर आ गया हूं और मैं ये लिखूंगा कि थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया। तो आपका टाइम बचेगा कंप्लेन करने से, वेस्टेज ऑफ टाइम, तथा जो दूसरे इमोशंस हैं कंप्लेन करने में जो एनर्जी खत्म हो जाती है, तो गुस्सा आता है, उसने मेरी कंप्लेन को सुना नहीं, उसने मेरी बात को सुना नहीं, मैं आगे ऑफिसर के पास जाऊंगा, उसकी कंप्लेन लिखूंगा, रिटर्न में दूंगा। टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हो रही, अपने इमोशंस की एनर्जी आपने वेस्ट कर ली। आपने तो हैप्पी फील करना है, ग्रेटिट्यूड को अपनाना है। यू कैन मेक गुड रिलेशनशिप्स, जितने भी अच्छे संबंध हैं जिन जिन का मैं थैंक्स कर रहा हूं, सभी के साथ अच्छे रिलेशन सब मेरे बन चुके हैं। तो यह आपका पहला दिन का एंड अच्छा हुआ। अब दूसरे दिन का एंड देखिए, सारा दिन नहीं बिताना, अब तो 5 बजे आए हो, टीवी नहीं देखना क्योंकि बहुत एंटरटेनमेंट कर लिया, बट आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हो, इसलिए जो शॉर्ट पीरियड के हैप्पीनेस हैं उसको त्याग देना है, अब लॉन्ग पीरियड के हैप्पीनेस को लेके आना है। एंड ऑफ द डे सेकंड, मेक माय अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द डे। आपने एक नोटबुक बनाना है
ये क्या क्या अचीवमेंट की है। हैप्पीनेस विद एनकरेज योरसेल्फ, जो ये सेकंड डे था उस का उसका हैप्पीनेस विद एनकरेज योरसेल्फ, आपने खुद को प्रोत्साहित करना है। जब आप डेली अपनी अचीवमेंट्स की नोटबुक बनाओगे तो ऐसा आप कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो खुद को कि मैंने जिंदगी में कुछ सक्सेस प्राप्त किया है, मैंने नोट्स बुक लिखा है। मैं एग्जांपल्स बताता हूं आपको। ये डेट है माय अचीवमेंट एट द एंड ऑफ 18 फरवरी 2017, दो 18 फरवरी 2017 को मैंने क्या क्या अचीव किया। मेजर अचीवमेंट, आई हैव सक्सेसेड टू डू वर्क विद अदर, मैं सक्सेस प्राप्त किया दूसरों के साथ काम करने में। व्हाई इट इज माय मेजर अचीवमेंट, आपको लिखना चाहिए क्यों है ये मेजर अचीवमेंट। इट इज माय अचीवमेंट बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल, दूसरों के साथ काम करना होता है इसलिए ये लिखा मैंने। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा, आई विल ऑल्सो ट्राई टू बी डू ऑल माई वर्क्स फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से कराऊंगा, दूसरों के साथ करूंगा काम, तो आगे आगे इंक्रीज होते जाएंगी जो मैं चाहता हूं। सेकंड, आई हैव सक्सेसेड रन 53 मिनट्स लॉन्गर विद फास्ट स्पीड, 18 फरवरी को मैंने 53 मिनट बहुत तेजी से भागा। इट इज हेल्पफुल फॉर मी फॉर मेकिंग न्यू टेक्निक्स, आई विल ट्राई टू कंपेयर विद पास्ट परफॉर्मेंस, ये नेक्स्ट स्टेप लूंगा मैं, उसको कंपेयर करूंगा। थर्ड अचीवमेंट, आई हैव सक्सेसेड टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एनकरेजिंग ऑन ब्रेन माइंड एंड बॉडी, मैंने सक्सेस प्राप्त किया, क्या एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना या खुद को प्रोत्साहन करना उसका दिमाग के ऊपर कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं। अगर आप ये कहोगे आई एम द बेस्ट, मैंने अचीव किया है आज, उसका आप में शक्ति इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी माइंड एंड बॉडी। इट इज माय अचीवमेंट बिकॉज आई कैन ग्रो माय एंड अदर्स स्टेमिना विद दिस, मैं इसका यूज क्या करूंगा, क्यों यह अचीवमेंट है, इससे मैं स्टेमिना अपना और दूसरों का इंक्रीज करूंगा। आई विल मेक द एनकरेजमेंट डिपार्टमेंट, इसके लिए मैंने एक एनकरेजमेंट डिपार्टमेंट खोलूंगा। I will appoint employees in it. इसमें मैं employees लगाऊंगा। ऐसे ही चलते जाइए achievements, 4-5 जो आपने छोटी छोटी achievements उसमें आप लिख सकते हो, खुशी महसूस कर सकते हो। इतना time जो आप दूसरे कामों में waste करते हो, energy, emotions में, negative emotions में, वो इस अपने achievements में आप खुद को प्रोत्साहित कर सकते हो big goal, big dreams के लिए। जैसे 7 मार्च 2017 है, इसमें मैंने अचीवमेंट जो प्राप्त की, फर्स्ट अचीवमेंट आई गोट सोल्यूशन ऑफ मल्टी फेसबुक अकाउंट ऑन सिंगल ब्राउजर। कैसे, सभी मान लो कि मेरे 500 यूजर्स हैं, उसके पास मेरे पास अकाउंट है, उसको सिंगल ब्राउजर में मैं कैसे यूज कर सकता हूं, कैसे इसका बेनिफिट ले सकता हूं। व्हाई इट इज माय मेजर अचीवमेंट, इट इज माय मेजर अचीवमेंट बिकॉज आई विल यूज इट फॉर ग्रोइंग माय सोशल नेटवर्क, फर्स्टली ऑन द फेसबुक, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ माय एम्प्लॉइज ड्यूटी, मुझे पता लग गया कि ये ड्यूटी का हिस्सा है उसकी। नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा मैं, आई विल सेट दिस सिस्टम ऑन माय एम्प्लॉइज कंप्यूटर, एक्शन टुवर्ड दिस स्टेप आई विल टीच माई एम्प्लॉई अबाउट दिस, उसको सिखाऊंगा मैं। तो आपने ऐसी अचीवमेंट क्या है, अगला स्टेप क्या होगा, एक्शन क्या लिया उसके बाद, ये आपने लिखना है। ऐसे ही आपकी अचीवमेंट्स इंक्रीज होती जाएंगी। अगर 5 अचीवमेंट एक दिन में है तो एक महीने में कितनी हो गई है, 150 अचीवमेंट्स, एक साल में कितनी हो जाएंगी है? वो अचीवमेंट्स आपको सहयोग देंगी हैप्पीनेस के लिए, आपके गोल अचीव करने के लिए, आपके
ड्रीम्स को, जो बिग ड्रीम्स हैं उसको अचीव करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप यह नोटबुक बनाओगे। एग्जांपल बता दिया मैंने, वाई टू राइट माय अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द डे, गिव गोल्ड मेडल टू योरसेल्फ। कोई ओलंपिक्स वाला आपको गोल्ड मेडल नहीं देगा, आपको खुद देना है, आपने खुद अपने आप को प्रोत्साहित करना है। यस, आज मैं लिख रहा हूं 5 अचीवमेंट्स, यह मुझे प्रोत्साहित करेंगे चैलेंज के लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो आपने जब गोल्ड मेडल दोगे, आपने देखा है कि किसी गोल्ड मेडल मिलता है वो कितना खुश हो जाता है, फोटो ही फोटो खिंचाता है। आप भी स्माइल के साथ फोटो खिंचाइए, आज मैंने यह अचीवमेंट की। ओके, नेक्स्ट डे आप बदल जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। उस ट्रांसफॉर्म के लिए आपको यह नोटबुक लिखनी होगी। एंड ऑफ द थर्ड डे, मेक द गोल फॉर नेक्स्ट डे फॉर अचीविंग ड्रीम्स। अगला दिन आने वाला है, उसके लिए जितने भी गोल्स हैं फिक्स कर लीजिए, सेटअप कर लीजिए गोल। कहां से स्टार्ट होंगे, मैं गोल लिखता हूं, बहुत सिंपल सा गोल लिखता हूं, एक नोटबुक बनाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी एग्जांपल्स मैं बताता हूं, माय गोल्स फॉर नेक्स्ट डे नोटबुक की, जैसे बहुत सिंपल सा है, गोल्स फॉर 26th मार्च 2017। फर्स्ट गोल, आई विल गेट अप 3 AM। मैं अपने दिमाग को समझा रहा हूं, मैं इसे एजुकेट कर रहा हूं, क्योंकि इसको पता नहीं है, ये इमोशंस में ही पागल हुआ है। जैसे जिसको नॉलेज नहीं होती ना, वो उल्टे काम करने स्टार्ट हो जाते हैं। जो बच्चा पहले से लेकर 10वीं प्लस 2 बीकॉम बीए एमए नहीं जाएगा, वो गलत आदतों में फंस जाएगा। ऐसे ही हमारा दिमाग है, माइंड है, अगर हम अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो अनजाने में गलत आदतें लग जाएंगी। तो इससे मैं एजुकेट कर रहा हूं, इससे मैं समझा रहा हूं। जब मैं ये नोटबुक लिखूंगा तो इसमें समझाऊंगा, मिस्टर विनोद तूने सुबह 3 बजे उठ जाना है, आई विल गेट अप 3 AM। ओके, तो ये मैंने लिख दिया, ये मेरा गोल है। सेकंड गोल, फ्रेश एंड बाथिंग, 3 से 4 बजे फ्रेश और बाथ कर लेनी है। मेडिटेशन एंड योग 4 से 5 बजे करना है। नोटबुक स्टडी 5 से 6 बजे करना है। बुक रीडिंग 6 से 7 बजे करना है। एक्सरसाइज 7 से 8 बजे तक करना है। ये गोल है। अगले दिन फिर यही गोल को मैं लिखूंगा, ये गोल 28 मार्च 2017 में ही चलेंगी। सुबह का दिन, सुबह का गोल सेटअप कीजिए, सोने से पहले आपने लिखना है कि आई विल गेट अप द 3 AM। लेट उठोगे, टाइम की वेस्टेज, सारा दिन स्ट्रेसफुल हो रहेगा। सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये जो टाइम है ना, ये सेविंग फंड है आपके लिए, हैप्पीनेस के लिए। गोल सेटअप कीजिए, फर्स्ट 3 बजे उठना है, आई विल फ्रेश 3 to 4 AM, आई विल मेडिटेट, ध्यान लगाना है, फोकस ऑफ द माइंड। 4 से 5 बजे आई विल एनालाइज माय नोटबुक, जो नोटबुक बनाता हूं उसका एनालाइज करना है। 5 से 6 बजे आई विल स्टडी माय बुक्स, 6 से 7 बजे आई विल डू एक्सरसाइज, 7 से 8 बजे तक। ऐसे ही आपके गोल होंगे, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, सुबह 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप गोल की लिस्ट बनाते रहो। यह गोल की लिस्ट आपको मिलेगी कहां से, यह गोल की लिस्ट आपको मिलेगी अचीवमेंट से, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं उससे आप यह लिस्ट बना सकते हो। नोटबुक बनाइए, क्योंकि अगले दिन मैंने क्या करना है, तो नोटबुक बताएगी आपने क्या करना है। आपने पहले भी दिमाग को सिखा दिया, दिमाग अपने आप 3 बजे जैसे ही होते हैं, मुझे झटका लगता है दिमाग में, मैंने लिखा था कुछ कि मुझे 3 बजे उठना है तो उठ जाऊंगा। तो यही मेमोरी कार्ड है, इसको आपने चलाना है, हैप्पी होना है, दूसरे इमोशंस का ध्यान नहीं रखना। इसका बेनिफिट्स क्या होगा, वाई टू मेक माय गोल्स फॉर नेक्स्ट डे नोटबुक, स्टे फोकस ऑन द गोल्स। आप बाजार में जा रहे हो, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं,
कहीं भी आपका माइंड चला जाएगा। आप बाजार में जा रहे हो और आपके पास ये नोटबुक है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने सब्जी लेके आना है, आपने फ्रूट्स लेके आना है और 10 मिनट में वापस आना है, इस काम को आपने करना है। स्टे फोकस ऑन द गोल, फोकस आपने रखना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले गुड डिजायर आती है, फिर गुड फोकस होता है, गुड फोकस से गुड थॉट्स बनते हैं, गुड थॉट्स से गुड हैबिट बनती है, गुड हैबिट से गुड कैरेक्टर बनता है और गुड कैरेक्टर से सक्सेस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। यदि फोकस नहीं है तो गुड थॉट्स नहीं बन सकते, उसके बिना गुड एक्शन नहीं बन सकते, उसके बिना गुड हैबिट नहीं बन सकती। इसलिए फोकस करने के लिए गोल का बनाना बहुत आवश्यक है। सब इमोशंस में एक इमोशन की शक्ति खुश रहना है, क्योंकि गोल तो मिल गया, मुझे खुश रहना है, उसको इस तरह से हमने आगे आगे जाना है। आपको पता हो ना कि ये मुसीबत आई हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो गोल बताएगा आपको। नो टाइम फॉर अदर इमोशंस, मेरे पास समय नहीं है, नो टाइम्स, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है रीजंस की, जीवन जीने के लिए क्या गोल्स हैं, वो लिस्ट है, वो इस नोटबुक में है। एक एक दिन इसको मैं लिखता हूं। बच्चा भी तो स्कूल जाता है, सीखता है, जिंदगी एक सीखने वाली है। इसमें आपने एक भी इमोशंस को टाइम नहीं देना, चाहे वो सैडनेस का हो, चाहे वह एंगर का हो, चाहे गिल्ट का हो, एक सेकंड भी आपने नेगेटिव इमोशंस लेके नहीं आने हैं, पॉजिटिव इमोशन ही लेके आने हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम माय मिस्टेक नोटबुक। देखो गलतियां होती हैं, गलतियां का सुधार नहीं किया जाता, गलतियां और हो जाती हैं, उससे नेगेटिव इमोशंस पैदा हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने जिंदगी भर के लिए खुश रहना है तो इस नोटबुक को बनाते रहना है आपने। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक एट द एंड ऑफ 16th March 2017। या मैं एक और दे देता हूं आपको, पीछे से देख लेता हूं, क्या ये बहुत अच्छी है, 13 March 2017, फर्स्ट मिस्टेक, आई डिड नॉट गिव द नोटबुक गिफ्ट टू विक्रम, व्हाई इट इज माय मिस्टेक, आई वांट टू इंप्रूव विक्रम जी, ही हैज गिवन मी वर्थी टाइम, आई नीड टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड विद ए नोटबुक, हाउ विल आई इंप्रूव माय मिस्टेक, आई विल गिव सेम विद पेन, I did not study for providing solution to my online student. Why, Dev? It is my biggest mistake. My online student wants to buy a new car. He wants which is the best, petrol or diesel. I have a lack of knowledge in this. So by not studying and research, how can I give a better solution to my student? Ignorance and not study is the biggest mistake. How will I improve this mistake? I will study this problem. I will make this video for solution. I will forward it who needs solution. तो इस तरह से आप अपनी mistakes को correct करते जा कर सकते हो। What I learned from mistakes? Example मैंने बता दी। ठीक, एक मिनट मैं ये कह देता हूँ। साइलेंट पे लगा लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक नोटबुक फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ मिस्टेक्स लाइफ स्किल्स। देखो गलतियों को सुधार होगा, मैं एक स्किल्स सीख जाऊंगा, मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मैं इसकी मिस्टेक, अपनी जिंदगी मिस्टेक को दूर कर सकता हूं, अपने इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस क्यों आए उसकी मिस्टेक को ठीक कर सकता हूं, मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुआ उसकी मिस्टेक को ठीक कर सकता हूं, तो दुनिया में कोई भी चीज सीखने में जो मिस्टेक होंगी उसको मैं ठीक कर सकता हूं, तथा हमेशा के लिए खुश हो सकता हूं।
End of the fifth day. Lesson from great personalities, lectures, books and its notebook. अब नोटबुक बनाना है उसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है I will जैसे ये लिखा हुआ है I will not expect what I want from others. मैं expect नहीं करूंगा जो मैं दूसरों से चाहता हूं. I will goodbye problems by peace. उन्होंने लेसन दिया मुझे कि पीस रखूंगा शांति रखूंगा तो goodbye कर दूंगा समस्याओं को. I feel happiness if I will fail. I will be fail. और मैं फेल हो जाऊंगा तब भी मैं खुश रहूंगा. I will fight again for the desire of winning after failure. अगर 100 बार भी मैं हार जाता हूं तो भी जीतने के लिए एक जंग अवश्य ही फाइट करूंगा. ओके. एंड ऑफ द 16th डे योर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कस्टमर्स हु नीड योर हेल्प नोटबुक. जो दोस्त जो आपके विद्यार्थी जो आपके कस्टमर जिनको आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है उनको मैं सपोर्ट करूंगा उनकी नोटबुक में लिखूंगा. जैसे मैंने लिखा है जैसे ये कस्टमर का नोटबुक है और मान लो कि 19/2/2017 है. एक को इन्वर्टर और वॉशिंग मशीन की बुक चाहिए उसको मैं प्रोवाइड करूंगा. एक को टोटल अपनी शॉप का स्टेशनरी होलसेल में चाहिए वो दूंगा. एक महाराष्ट्र में अपना रनिंग स्टेमिना बनाना चाहते हैं उसकी सपोर्ट करूंगा. इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स लेना चाहते हैं उसकी सपोर्ट करूंगा. ऐसे ही अलग अलग डेज में अलग अलग जो कस्टमर की लिस्ट है वो बनाऊंगा. आपका सेल नहीं हुआ आपके पास स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए आपने क्या लिस्ट बनाया. फ्रेंड्स जो सोशल नेटवर्किंग से मिले आपके फैंस मिले उनके लिस्ट बनाया उसकी लिस्ट बनाना आवश्यक है. एंड ऑफ द 7th डे डेली एक्सरसाइज गोल. जो भी गोल होंगे उसे मुझे लिखना ही होगा क्योंकि मुझे फिट रहना है. एंड ऑफ द 8th डे गोल गोल ऑफ ट्रैवलिंग नोटबुक. कहाँ कहाँ जाना है कहाँ कहाँ घूमना है किन किन से मिलना है सबका गोल का नोटबुक में लिखूंगा. एंड ऑफ द 9th डे आपका सबॉर्डिनेट आपका स्टूडेंट आपका बोस आपका कस्टमर आपका सप्लायर क्या आपने उनको प्रोत्साहित किया अप्रिशिएट किया. मान लो उन्होंने कोई अच्छा हार्डवर्क किया मेहनत किया आपको उन्हें प्रोत्साहित देना चाहिए. लगे हो बेटा लगे हो सर मेहनत कीजिए कीप इट अप नेवर गिव अप लगे रहो तो उससे उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और आपको खुशी मिलेगी. एंड ऑफ द 10th डे सेल्फलेस एक्टिविटीज नोटबुक जिसमें सेल्फिश ना हो ऐसी एक्टिविटीज को नोटबुक में लिखूंगा कि आज मैंने अपने पौधों को पानी लगाया ऐसे जैसे मैंने हेल्पलेस लोगों की मदद की ऐसे मैं वॉलंटरी काम किया. ओके. इस तरह से आप कुछ भी सोशल वेलफेयर का काम कर सकते हो. जैसे यह जो वीडियो है यह है Svtuition ए फ्री ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल में जाएगा सेल्फलेस एक्टिविटी के लिए. ओके. एंड ऑफ द 11th डे एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड इन गुड फ्री गिफ्ट्स. क्या क्या दिन है उसके लिए नोटबुक होनी चाहिए जैसे मैंने लिखा है आप भी लिख सकते हो. I will give the T-shirt to my employee. I will pay the school fees of my student. I will share motivators lecture. I will give new lecture to my student. I will give free notebook to my friend. I will refreshment to my labor. Okay, labor person. तो इस तरह से आपने गिफ्ट देने हैं कुछ भी दे सकते हो तो उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा. End of the 12th day. रीड द लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स. जो जो अचीवमेंट्स किए हैं उनकी लिस्ट आप स्टडी कर लीजिए. आपको गोल्ड मेडल मिलेंगे 2nd डे से लेकर 12th डे तक. आपने जितने भी अचीवमेंट किए हैं उसके अचीवमेंट को रीड कीजिए स्टडी कीजिए खुद में कॉन्फिडेंस लेके आइए. यस मैंने इतने दिन 10 दिन
बहुत कुछ अचीव किया उसकी लिस्ट है मेरे पास. एंड ऑफ द 13th डे रीड द लिस्ट ऑफ गोल्स. ये गोल है. इसमें से अगर मैं नेगेटिव फीलिंग ले रहा हूँ, सैड हो रहा हूँ, नेगेटिव इमोशंस लेके आ रहा हूँ, क्या उन गोल्स को अचीव किया? 30 से 13 दिन तक 10 गोल, अगर एक गोल एक दिन भी बनाते सेट करते नहीं किया तो इंस्टेड इमोशन नेगेटिव इमोशन लाने की वजह से मैं उनकी एनर्जी इन गोल को पूरा करने में लगाऊंगा या लगाऊंगी. ओके एंड ये आपका 14th डे रीड लिस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स. जो जो मिस्टेक किए 4th डे में उनकी सभी की लिस्ट, क्या इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उसे सभी कागज में लिख लूंगा, लिस्ट में लिखूंगा, उसको रीड करूंगा, इस ब्रेन में उस बात को भेजूंगा, भाई मिस्टेक मत कर, नो, क्योंकि इससे सैडनेस आएगी, इससे नेगेटिव इमोशंस आएंगे जो मैं नहीं चाहता. मैं हमेशा हैप्पी रहना चाहता हूं, इसलिए इंप्रूवमेंट की लिस्ट लिखूंगा. एंड ऑफ द 15th डे रीड लिस्ट ऑफ लेसन फ्रॉम ग्रेट पर्सनैलिटीज. क्या क्या दिए उसको एक बार स्टडी कर लूंगा, उससे मुझे शक्ति मिलेगी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तथा मैं हैप्पी फील करूंगा. एंड ऑफ द 16th डे कीप टच विद फ्रेंड्स स्टूडेंट एंड कस्टमर. उनसे साथ टच रहूंगा, उनके साथ मिलके एक स्माइल की फोटो खिंचाऊंगा तो मुझे हैप्पी महसूस होगा कि मैं जिंदगी भर के लिए खुश रहना है. एंड ऑफ द 17th डे रीड द लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द एक्सरसाइज गोल्स. जो जो अचीवमेंट मैंने की, जो जो अचीव किया एक्सरसाइज में अपने आप को फिट रहने के लिए, हेल्थ इज वेल्थ, तो उसकी अचीवमेंट की लिस्ट को अचीव रीड करूंगा. यस, मैं 50 डंबल्स तक पहुंच चुका हूं, मुझे चैलेंज है 100 डंबल्स उठाना, डेली एक इंक्रीज करूंगा. ओके, तो इस तरह मैं लिख सकता हूं 50 डेज में मैं 100 डंबल उठा लूंगा. End of the 18th day, list of the achievement of traveling goals. यहाँ घुमाया हूँ, यहाँ भी घुमाया हूँ, यहाँ घूमना है मुझे, तो मुझे एक शक्ति मिलेगी happy के लिए. End of the 19th day, make the list of the appreciation, new appreciation. इनका मैंने मोटिवेट किया था, आज मैं लिख लेता हूँ. इस फ्रेंड का मैंने को मोटिवेट नहीं किया, इसको मोटिवेट करना है, जो ये चाहता है उसके लिए इसको इसमें एनर्जी को भरना है. तू ऐसा कर इसे तेरी तरक्की हो जाएगी. पॉजिटिव थॉट्स देने उसको, एप्रिसिएशन का मतलब यही है, प्रोत्साहित करना, शक्ति लगानी. तो ये 19th डे में करूंगा. 20th डे में मैं भगवान की प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा मुझे शक्ति दे, मुझ में कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर, मैं कंप्लेन ना करूं, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अपनाऊं, उन सभी का धन्यवाद करूं. मैं परमात्मा से यह प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा मुझे अंधेरे से लेकर उजाले की तरफ ले चल, हे परमात्मा मुझे अज्ञान से लेकर ज्ञान की तरफ ले चल, क्योंकि मिस्टेक हमारी होती है, क्योंकि हमारी अज्ञानता होती है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मैं उसके लिए परमात्मा से मांगूंगा 20th डे में. और इन 21st डे में मैं सभी को रिमाइंड करूंगा, दिस इज अ 21st डे, यहां भी मिस्टेक हो गया, ये हमने सुधार लिया मिस्टेक. एंड ऑफ द 21st डे रिमाइंड एंड फॉलो ऑल एंड मेक गुड हैबिट ऑफ ऑल टाइम हैप्पीनेस. 5 चीजें तो मैं नोटबुक बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4, ये 5 नोटबुक तो बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे सीखना है. थैंकफुलनेस की नोटबुक, अचीवमेंट की नोटबुक, डेली गोल की नोटबुक, लेसन फ्रॉम मिस्टेक्स, माय मिस्टेक्स, दूसरों की मिस्टेक को मैं माफ कर दूंगा बट अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी भी फील करूंगा, उससे सीखूंगा, इंप्रूवमेंट का लेसन सीखूंगा. Lesson from Great Personalities Notebook.
तो ये चीजें हैं 21 दिन का कोर्स ऑल टाइम हैप्पीनेस के लिए जो आपको सिखा दिया है, इसको आपने फॉलो करना है, रिएक्ट नहीं करना, एक्ट अपॉन करना है इसके ऊपर। इन एंड प्लीज सब्सक्राइब Svtuition, एक फ्री ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल है यूट्यूब के ऊपर, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए, उन कमेंट्स में से हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमेशा ही खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। थैंक यू वेरी मच।